आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 12th। पीछे के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे, आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन और dx लगा लेंगे। सबसे पहले अगर x की पावर सिंगल हो और प्लस माइनस में कॉन्स्टेंट हो तो हम डायरेक्ट x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ i इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ। तो हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन, तो हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। और इन टू में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आता है वो मल्टीप्लाई में निकलता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आता है वो किस में निकलता है, डिवीजन में। तो यहाँ से हो जाएगा ये हाफ प्लस टू 3/2, ये भी 3/2 घूम जाएगा, तो 2/3 है ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका, सॉरी सेकंड का मतलब 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। अब यहाँ पे दो वेरिएबल के फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई का रूल हमें अभी पता नहीं है, फर्स्ट सेकंड से करते हैं, आइलेट मेथड से, वो बाद की बात है। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक्स प्लस टू, ये रूट में दो टर्म है, रूट से बाहर सिंगल टर्म है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो ये रूट है ये तो रह जाए सिंगल में और बाहर आ जाए डबल। मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस टू को क्या ले सकता हूँ, t, रूट हटाना है तो आप t स्क्वायर भी ले सकते हो या t ले सकते हो, एक ही बात है। चलो t स्क्वायर ले लो या t, t ले लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, जैसे t के, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये जीरो, ये हो गया वन, इसका मतलब डी एक्स इक्वल्स टू क्या निकल के आया, डी टी। इंटीग्रेशन, ये बाहर x है तो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, t माइनस टू एक्स, टी माइनस टू, ये सिंगल टर्म सिंगल टर्म, अंडर रूट अंडर रूट, इसे x प्लस टू की जगह t, और बाहर क्या आ गया dt। मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, t की पावर वन प्लस हाफ 3/2 माइनस टू इंटीग्रेशन t की पावर हाफ। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू, पावर में वन ऐड होगा तो टी की पावर 3/2 में वन ऐड करोगे 5/2, नीचे 5/2 माइनस टू, टी की पावर हाफ में ऐड करोगे 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में सी। आई बराबर हो गया 2/5, टी की जगह क्या रखना है एक्स प्लस टू, क्योंकि टी हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमने एक्स माना है, 2/3, ये नेगेटिव में है, और ये आ जाएगा वापस से x प्लस टू की पावर 3/2 प्लस में कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन जो 8 है उसमें हमें दे रखा है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर dx। x की पावर 2 है, डिफरेंशिएट करने पर सिंगल पावर हो जाएगी, तो ये अपना क्या बन जाएगा, t, माना 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, 0, 2 टू जो 4x, x का dx इक्वल्स टू में dt लिख दूँ डायरेक्ट, dx बाई dt 1, तो dt उधर घूम के जाएगा। अब x की वैल्यू में x dx, इसकी जगह क्या जाएगा dt बाई 4, और अंडर रूट में t, और एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई 4। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 तो बाहर आएगा कॉन्स्टेंट, टी की पावर हाफ का टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। आई इक्वल्स टू क्या आ गया, तो घूम के ऊपर जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल, 3/2 है ना 2, तो ये 1/6 हो जाएगा, टी की पावर टी मतलब
वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। इस प्रकार क्वेश्चन 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 9 करते हैं। इसमें दे रखा है आई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है हमें 4x प्लस टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये टर्म बाहर है, ये अंदर है, अंदर वाले को क्या मानना है, t। इसका मतलब 2x प्लस वन इक्वल्स टू, 2x के साथ भी dx आएगा और x के साथ भी dx आएगा, इक्वल्स टू dt। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, 4x प्लस टू, तो 4x प्लस टू के लिए मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, मतलब मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी। वैल्यू कर देंगे अपन, i बराबर इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो 2 डी टी और अंडर रूट में t इंटू में 2 डी टी। 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, t का हमें पता है 1/2 का 3/2, 1/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस में कॉन्स्टेंट। जैसे हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करेंगे, 2 घूम के ऊपर जाएगा तो 4/3, टी की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 की पावर 3/2 प्लस का कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।